नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आगरा एयरफोर्स के अधिकारियों ने एयरफोर्स का बताया इतिहास, विश्व में भारत देश बनता जा रहा है शक्तिशाली वायुसेना, जन्मदिन हो रही है मजबूत। एयरफोर्स ने देश आत्मनिर्भर बन रहा है, वायुयान से लेकर उनके पुर्जों को देश में ही किया जा रहा तैयार। एयरफोर्स के कमांडो ने A-32 जहाज के बारे में दी विस्तृत जानकारी। A-32 जहाज के द्वारा कमांडो को दी जाती है ट्रेनिंग। इस जहाज के द्वारा कमांडो को जंपिंग की दी जाती है ट्रेनिंग। भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले 8 अक्टूबर 1932 भारतीय वायुसेना की हुई थी स्थापना। आजादी के बाद सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का बनाया था पहला चीफ एयर मार्शल। देश आजाद होने के बाद पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता। आजादी के बाद वायुसेना के नाम से रॉयल शब्द को हटाकर इंडियन एयरफोर्स किया। वायुसेना के पहले चीफ थे थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट, जिन्होंने 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बनाया, जिसमें 6 IF ट्रेंड ऑफिसर 19 जवानों को शामिल किया। सुखोई विमान 30 MKI को भारतीय वायुसेना की बताई जाती है रीढ़, जिसमें 250 से अधिक संख्या में विमान जो किसी भी मौसम में रात या दिन में हमला करने में होते हैं सक्षम। रूस की मिकोयांग कंपनी द्वारा निर्मित MiG-29 विमान भारतीय सेना में निभाता है अहम भूमिका, जिसे 1999 में कारगिल युद्ध और 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक वायुसेना ने इस पर भरोसा दिखाया। भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस Mk-1A विमान बनाने दिया ऑर्डर, जिसका वर्तमान में भी वायुसेना वर्त करती है इस्तेमाल। MiG-21 ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। इस विमान से दुश्मनों के अंदर खौफ पैदा किया। ये आपका जो होता है, ये आपकी कंट्रोल कॉलम है, इससे आप जहाज को उड़ाते हैं, लेफ्ट राइट टर्न कराते हैं, ठीक है। ये है आपके बाकी थ्रॉटल, जिससे पावर आप बढ़ाते हैं, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि आपको हाइट कैसे पता चलती है, तो एक ऑल्टीमीटर करके एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें आप जैसे क्लाइंब करते हो तो आपका ऑल्टीमीटर आपको एग्जैक्ट आपकी हाइट बताता रहता है, तो आप उसको देख के आपका रेफरेंस लेते हो और से अपने सारे ऑपरेशंस करते हो। नॉर्मल फ्लाइंग में भी ऐसे होता है, इन सब बटन से आप रैंप का ऑपरेशन, जो मैंने बताया था रैंप जो खुल जाता है अंदर, वो हम आपको करके दिखाएंगे। अभी सबको डेमो देंगे उसका, एक लाइव वर्किंग डेमो, तो वहाँ पे उसको ऑपरेशन करने का जो तरीका होता है वो सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है आपका, ठीक है।